हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकराज यम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च गोश्त। ये बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही झटपट से हमारा ये काली मिर्च गोश्त बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये काली मिर्च गोश्त। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काली मिर्च गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है गोश्त। ये हमने 1 kg गोश्त लिया है और ये 2 बड़े साइज़ का टमाटर है उसको हमने बारीक काट लिया है और ये 2 मीडियम साइज़ का प्याज है इसको हमने बारीक काट लिया है और ये 2 टीस्पून दही है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसी स्पून से हमने भर करके लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये हमने लिया है काली मिर्च, ये हमने कूटा हुआ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसमें पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कूटा हुआ ही लीजिएगा तो उसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़े से साबुत गर्म मसाले हैं, तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च, और चुटकी भर है बस जरा सा हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 7 से 8 हमने इसमें हरी मिर्च डाला है। इसकी जगह अगर आपको मतलब तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप हरी मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमने कुकर लिया है, कुकर में हमने ऑयल डाल दिया। हमने इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो जाए फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया तो हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने काट के रखा है। और प्याज को हम लाइट पिंक सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा मतलब गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस लाइट पिंक सा फ्राई करना है। देखिए ये हमारा प्याज जो है सो फ्राई हो गया है लाइट पिंक सा, तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हम थोड़ा सा भून के बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा भून करके बनाएंगे। ये गोश्त का ना वो ख़त्म हो जाएगा भूनने के। तो देखिए हमारा गोश्त जो है भून गया है, देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डाल के मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हमने जो बारीक काट करके टमाटर रखा है, ये भी डाल देंगे। और जो हमने हल्दी लिया है बस हल्दी सिर्फ कलर के लिए डालना है, और नमक। इन सबको डाल करके मिक्स कर देंगे और 2 मिनट भून लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट भूनना है। तो ये देखिए गोश्त हमारा जो है भून गया, हमने इसमें सारे सब कुछ डाल करके हमने इसको 2 मिनट भून लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना पानी डालना है जितने में गोश्त हमारा गल जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। बस इसमें हमने 1/2 कप पानी डाला है, बस ज़्यादा पानी नहीं डाला है। और इसको हम बंद करेंगे ढक्कन को और इसको 4 से 5 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा गल गया है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गोश्त हमारा गल चुका है, तो हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे, तो भुनाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इसकी जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा हम टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा घी डालना है। घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया तो हम इसमें जो हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं ये डाल देंगे। और अब हम इसमें जो हमने गोश्त को गला के रखा है ये गोश्त डाल देंगे। हमने इसमें गोश्त डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दही और इनको डाल करके अच्छी तरीके से गोश्त की हम भुनाई कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने सबको मिक्स कर दिया है, इसको हमें भूनना है थोड़ा सा अच्छी तरीके से। तो अब हम इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काट करके लिया है 2 टुकड़े करके।
आइस पर भी डाल के मिक्स कर देंगे और गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भून दिया है, देख सकते हैं तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हमारा ये काली मिर्च गोश्त बन करके तैयार है। ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे, इसमें धनिया पत्ती खूब सारा डालें और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का जो हमने वो कुटा हुआ काली मिर्च लिया ये थोड़ा सा और डाल देंगे ऊपर से और इसको मिक्स कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखनी हो तो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं आप, और लेकिन हम इसको सूखा ही रखेंगे, रोटी में खाना है इसलिए, तो इसको हम ऐसे ही सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सर्व कर लिया है और थोड़े से ऊपर से बारीक कटा हुआ अदरक से इसे गार्निश करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये काली मिर्च गोश्त बन करके तैयार हुआ। बहुत ही एकदम इसमें कुछ भी मसाला नहीं डाले हैं और बिल्कुल थोड़े से ऑयल भी हमारा ये बन करके तैयार हो गया है, ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं हुई। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और ये नींबू के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा काली मिर्च गोश्त बन करके तैयार है। तो ऐसी आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।